पंजाब ते मैं हां परमजीत कौर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वेले दी वड्डी खबर दे नाल। सो आर्टिकल 370 ते सुप्रीम कोर्ट का वड्डा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का फैसला रखा बरकरार। सो 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर पर जायज़ है। सो चीफ जस्टिस वालों यह कहा गया आर्टिकल 370 नूं हटाउणा सही है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अधीन है, जम्मू कश्मीर भारत का निखड़वा अंग है। सो सुप्रीम कोर्ट के वालों यह वड्डा फैसला सुनाया गया, केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा गया है। सो हुण आर्टिकल 370 है जो कि इतिहास बन जाएगा, वापस नहीं आएगा। 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर पर जायज़ है, चीफ जस्टिस वालों कहा गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो नाल ही कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का निखड़वा अंग सी है अते अगे भी रहेगा। तो चोणों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया चोण कमीशन नूं कि अगले साल सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चोणां करवाइया जा। सो वड्डा फैसला, सो भारत वासियों के लिए खुशी की लहर। तो 370 नूं हटाउणा संविधानिक तौर पर जायज़ है, चीफ जस्टिस वालों यह कहा गया। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के वालों यह वड्डा फैसला सुनाया गया, आर्टिकल 370 नूं हटाउण ते मोहर लगा दी गई है। पेटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पेटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। आई बींग द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया बार एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट, आई वेलकम द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गिवन बाई द सीनियर मोस्ट 5 जजेज ऑफ अवर हाइएस्ट कोर्ट एंड दैट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। द सीनियर लॉयर्स लाइक अस एज ऑलरेडी मिस्टर कपिल सिब्बल बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट ही ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट दिस डिसीजन वी आर लूजिंग दिस बट दिस डे विल बी रिमेंबर्ड। यस आई फुल्ली एग्री दिस डे इज हिस्टोरिकल फॉर दोज हु आर नेशनलिस्ट हु आर एंड इट इज ऑल्सो हिस्टोरिकल फॉर दोज फोर्सिस हु आर एक्टिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। But to, in future, there will be no occasion when this Article 370 will become the part of Indian Constitution. आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहाँ तक जो कानून वहाँ लागू हो चुके हैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी, जिक्र इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात की। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 35A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया
और सबसे बड़ी बात यह कि पांच जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है, पांच के पांचों जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। नतीजे पे पहुंचे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है, एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैं तो चंद्रचूड़ जी को और सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द अज जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द अज जल्द राज्य का दर्जा दे दें। ये जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हों फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हों तो राज्य के लिए हों, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हों। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ, हमारा सारा अगर राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें, अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है, अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए, जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़ें, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं, बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था, जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में उन वादों के खिलाफ है। मगर जो मैं पिछले कल रात से देख रही हूँ, जिस तरह से अलग अलग जमातों के, खासकर पीडीपी का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं पुलिस थानों के जरिए, लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है, इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं।